फाइकस का प्लांट है, ये नॉर्मल प्लांट है जो नर्सरी से लिया हुआ है, कुछ दिन से मेरे पास है। तो बोनसाई बनाने के लिए मैं इसको अगर जो बहुत छोटा बनाता तो कट करता कहीं से, लेकिन स्टेम इसका अच्छा है तो मैंने कट करने की बजाय सोचा कि इसके स्टेम को यूज़ किया जाए और मैं इसको डाउन साइड में बनाता हूँ। तो ये जो ब्रांचेज है इसको मैंने वायरिंग कर दिया है और मैं इसको यूं ही इस्तेमाल करता हूँ, इसके स्टेम को ऐसे। और जितनी भी ब्रांचेज थी मैंने इनको वायरिंग करके सीधा कर दिया है। और एक दो स्टेम एक्स्ट्रा मैं इनको कट कर दूंगा, तो अब ये विजिबिलिटी दिख रही है, प्लांट ये हो जाएगा मेरा। ये सॉयल और बर्मी कंपोस्ट है, इसका मिक्सचर है। तो एक बार में कोई प्लांट तैयार नहीं होता है, ये भी एक बार में तैयार नहीं है। जैसे जैसे ये आगे ग्रो करेगा, इसमें ग्रोथ के हिसाब से इसकी कटिंग प्रूनिंग करनी पड़ेगी। तो अभी फर्स्ट टाइम हमने नर्सरी प्लांट को उठा के सीधे इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और डिज़ाइन मैंने सोच लिया है कि ये जो ब्रांचेज थी मैंने इनको वायरिंग से सीधा सीधा कर दिया। अब ये जब ये ग्रो करेंगे तो फिर मैं इनको शेप देने के लिए एक आर्च शेप में इनकी कटिंग करूँगा।